राजधानी लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सिटी ट्रांसपोर्ट पूरी तैयारी में है और बस स्टैंड्स को आधुनिक बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इससे ट्रैफिक व्यवस्था भी कैसे बेहतर होगी, देखिए रिपोर्ट। सिटी बसों को मिलेगा ठिकाना, ट्रैफिक व्यवस्था में होगा सुधार। राजधानी लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद में सिटी ट्रांसपोर्ट ने भी कमर कस ली है। सड़कों और चारबाग चौराहे पर ट्रैफिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सिटी ट्रांसपोर्ट ने नगर आयुक्त को प्रपोजल भेजा है, जिसके अंतर्गत नगर निगम की सीमा में सिटी बस स्टेशन बनाए जाएंगे। ये बस शेल्टर जो होंगे ये आधुनिक बस शेल्टर होंगे, इसमें स्क्रीन रहेगी, स्क्रीन में डिस्प्ले होगा कि किस स्थान के लिए बस कितनी देर में आ रही है, तो यात्रियों को एक प्रकार से यात्रियों को जो है यात्री किसी प्रकार की संदेह की स्थिति में नहीं रहेंगे। जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य, यात्रियों को मिल पाएगी सुविधा। सिटी बस प्रबंधक आरिफ सकलीन ने बताया कि हमने प्रपोजल भेज दिया है और जल्द ही राजधानी में अलग अलग जगह चिन्हित कर बस स्टेशनों का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा, जिसके बाद चारबाग में खड़ी होने वाली सिटी बस अपने निर्धारित स्टॉप पर खड़ी होगी, जिससे यात्रियों को भी अपने रूट पर जाने और बस सुविधाओं का लाभ लेने में आसानी होगी। साथ ही बस स्टैंड पर बड़ी स्क्रीन लगाकर बस के आने जाने का समय भी लिखा जाएगा, जिससे यात्रियों को बस के आने जाने का सही समय पता रहे और कोई भी संदेह ना रहे। राजधानी लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए परिवहन विभाग पूरी तरह से सजग दिख रहा है। राजधानी लखनऊ में सिटी बसों के लगभग 347 बस स्टॉप बनाने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। जल्द ही राजधानी वासियों को ये सौगात मिलेगी और वो सुगम और सफल यात्रा कर सकेंगे। कैमरा पर्सन शुभम उपाध्याय के साथ अनिकेत तिवारी, हिंदी खबर, लखनऊ। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।